हेलो, गुड मॉर्निंग माय डियर लर्नर्स, वेलकम टू विश्व एकेडमी। और आज की वर्कशीट आपकी साइंस की है। आपकी वर्कशीट जो है साइंस के क्लास सिक्स के लिए वर्कशीट नंबर 18 है और 2 दिसंबर 2020 के लिए वर्कशीट है। लाइट शेडोज एंड रिफ्लेक्शन इसे पढ़ेंगे, जो कि लास्ट वीक का टॉपिक है, वही कंटिन्यूशन में लिया गया है। तो फर्स्ट एक एक्टिविटी है, इसमें क्या करना है आपको, एक चार्ट पेपर से इस तरह से पाइप सा बनाना है, फोल्ड करके एक उसके बाद कैंडल को जलाना है और इस पाइप में से आपको देखना है इस मोमबत्ती को। तो अगर पाइप सीधी है तो देखना है, और एक बार पाइप को इस तरह से नीचे की तरफ मोड़ देना और फिर दोबारा से लाइट को देखना है। तो आपको क्या चीज़ें समझ में आई, मतलब क्या दिख रहा है क्या नहीं दिख रहा है, उसके बारे में आपको सोचना है। तो इसी एक्टिविटी के बेस पे आप लोगों के जो क्वेश्चन है ये दिए गए हैं। ये देखिए, यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ये आपको कॉपी में करने हैं दोनों। इज़ द कैंडल विजिबल फ्रॉम द स्ट्रेट पाइप? अगर हम सीधी पाइप से देखेंगे तो क्या कैंडल दिखेगी? लिखो यस। अगर हम इसको मोड़ दें तो क्या होगा? व्हाट हैपन्स व्हेन यू बेंड द पाइप एंड ट्राई टू सी द कैंडल? अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो क्या होगा? वी विल नॉट एबल टू सी द कैंडल। ठीक है, इसका क्या होगा? वी विल, देखो, वी कांट सी द कैंडल। अगर हम मोड़ देंगे तो हमें कैंडल नज़र नहीं आएगी। तो क्यों नहीं नज़र आएगी? क्योंकि वो जो लाइट है हमेशा इस एक्सपेरिमेंट से, इस एक्टिविटी से पता लगता है कि लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ही ट्रेवल करती है। जब वो स्ट्रेट लाइन ना होकर इस तरह से मुड़ गई तो वो लाइट पास ही नहीं हो पाएगी। जब लाइट पास नहीं हो पाएगी तो हम कैंडल को कहाँ देख पाएंगे? नहीं देख पाएंगे। ठीक है, हम सही तरीके से नहीं देख पाएंगे। तो इसका ये है कि हम नहीं देख पाएंगे। उसके बाद देखो, उसके बाद आपको है ये एक्टिविटी एक और दे दी गई है। आपको इस तरह का डब्बा लेना है, इसके इस तरफ आपको बटर पेपर लगाना है, जो चिकना सा जो पेपर आता है, आप लोगों ने देखा होगा, जो केक वगैरह बनाने में भी यूज़ होता है, नीचे की तरफ लगाते हैं पैन में, तो वो बटर पेपर इस साइड लगाना है और इस साइड को पर आपको ये एक छोटा सा छेद करना है और यहाँ पर एक कैंडल जला कर रखनी है, इस छेद से इस कैंडल को देखना है। तो आपको ये कैंडल की इमेज उस बटर पेपर पर कैसे दिखाई देगी? जब आप देखोगे तो आपको दिखाई देगी कि ये मोमबत्ती आपको उल्टी दिखाई दे रही है। कैसे दिखाई दे रही है? उल्टी, इस तरह से दिखाई देगी, चलती हुई उल्टी दिखाई देगी। ठीक है, इस बटर पेपर के ऊपर। तो यहाँ से क्या होगा, इससे और जो इसका कलर है ना, इस कैंडल का जो कलर है वही कलर आपको दिखाई देगा, बस इन्वर्टेड होगी। ठीक है, तीन पॉइंट्स जो इस एक्टिविटी से निकल कर बाहर आएंगे वो ये निकल कर आएंगे आप लोगों के, कि यू विल सी एन इन्वर्टेड इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द ट्रेसिंग पेपर। उल्टी इमेज दिखाई देगी और जिस कलर की ये कैंडल है उसी कलर की दिखाई देगी। तो जो रिफ्लेक्शन और शेडो में यही अंतर होता है, शेडो जो होता है उसके ऊपर कलर ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब कि ऑब्जेक्ट का जो कलर होता है उसका कोई इफेक्ट नहीं होता, डार्क शेडोज ही बनती है चाहे कितनी कलरफुल ऑब्जेक्ट हो, लेकिन रिफ्लेक्शन में ओरिजिनल बनती है, मतलब जो जिस इमेज का जैसा कलर होगा ऑब्जेक्ट का वैसे ही उसकी इमेज का कलर होगा। ठीक है, तो उसके बाद देखो ये चीज़ जो अभी एक्सपेरिमेंट हमने किया उसी को सेम ट्री के साथ करा है, कि इसके आगे एक हम लोगों ने एक डब्बा रख दिया, यहाँ पे होल बना दिया और देख रहे हैं। तो इसकी इमेज जो आपको यहाँ पे दिखाई देगी, इसकी इमेज जो बनेगी यहाँ पर बटर पेपर पर, यहाँ पर होल है, होल वाली साइड हमने पेड़ की यहाँ रख दी, तो होल में से जो इमेज बनेगी इस बटर पेपर को उल्टी बनेगी, ये उल्टी बना, उल्टा पेड़ बना हुआ है और ग्रीन कलर का ही आपको दिखाई देगा। तो इस एक्सपेरिमेंट क्या दिखाई देता है कि इमेज एक तो इन्वर्टेड होगी, उल्टी होगी, और ऐसी इसलिए हुई क्योंकि देखो जब लाइट ट्रैवल करेगी, लाइट जब आएगी बेटा ऊपर से आएगी तो वो सीधा ऐसे ही जाएगी, और जब नीचे से लाइट आएगी तो वो सीधा जाएगी। बताया था ना कि लाइट इस वाले एक्सपेरिमेंट में कि लाइट जो है हमेशा स्ट्रेट लाइन पर ट्रैवल करती है, अगर ऊपर से आ रही तो ऊपर सीधी सीधी ही जाएगी, नीचे से आ रही तो नीचे नीचे ही जाएगी, और जहाँ पर इस होल में छेद में ये दोनों लाइन रेज जो हैं किरणें एक दूसरे को काटेंगी, ठीक है, काटने की वजह से इमेज बनेगी और उसी वजह से ये उल्टी इमेज बनती है, क्योंकि ऊपर का हिस्सा नीचे आ गया, नीचे का ऊपर चला गया, इसीलिए उल्टी बन जाती है। तो यही सब इसमें पूरा का पूरा बताया था। और उसके बाद अगर ये जो ट्री है ग्रीन कलर की है तो ये भी आपको इमेज ग्रीन कलर की दिखाई देगी, यही मेन डिफरेंस है शेडो एंड आपकी उसमें इमेज में। शेडोज हमेशा डार्क कलर
है उसके पर ऑब्जेक्ट का कलर का कोई लेना देना नहीं होता, बट इमेज हमेशा इमेज का जो कलर है वो ऑब्जेक्ट के कलर का ही होता है, ठीक है, ये इनका मेन डिफरेंस है। अब यहाँ पे कुछ आप लोगों को हिदायतें दी गई हैं, इन्होंने कहा है कि कभी भी सन को हमें खाली नंगी आंखों से कभी नहीं देखना चाहिए, मतलब गॉगल्स वगैरह पहन कर ही सूरज की तरफ देखो, सूर्य ग्रहण वगैरह लगता है तो हम लोगों को बहुत एक्साइटमेंट होती है देखने की, तो कभी भी बिना गॉगल्स के खुली आंखों से हमें सूरज को नहीं देखना चाहिए। देन और जो आप एक्टिविटीज़ ये वाली कर रहे हो वो हमेशा एक्टिविटीज़ जो भी आप करते हो कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हो हमेशा अपने बड़ों की देखरेख में ही करें, ये आपकी हिदायतें दी गई थी। तो ये छोटी सी वर्कशीट थी, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं, बस ये दो क्वेश्चन आए थे आप लोगों के, ये वर्कशीट पूरी उतार लेना और ये चीज़ आई थी, ठीक है, ये सब चीज़ें उतार लेना और इम्पोर्टेंट चीज़ें जो हैं वो देख लेना। तो ये थी आज की आपकी वर्कशीट और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये वर्कशीट अच्छे से समझ में आ गई होगी। सो टिल नेक्स्ट वीक एंड नेक्स्ट वर्कशीट, गुड बाय फ्रॉम हियर, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ।